आप लोग कृपया लाइन से पीछे हो जाएंगे। निश्चित तौर पर पेनाल्टी में भी दोनों टीम अपनी विपक्षी टीम के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पहली किक के लिए गए हैं जर्सी नंबर 17 मिस्टर अमन, एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर मैदान के बीचों बीच गए थे और फिलहाल पहली किक की तैयारी अमन के द्वारा। पुलिस के जवान जा रहे हैं, आप लोग कृपया लाइन से पीछे हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर बचाव राजीव के द्वारा और ये फिलहाल अगली किक की तैयारी जर्सी नंबर 2 इमैनुअल के द्वारा। और प्रकाश, दोनों गोलकीपर ने अपने आप को साबित किया है कि पेनाल्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है गोलकीपर की, उसको निर्वाह करते हुए। टीम एक ही कदम बिता होता हुआ, समय थोड़ा सा समय जरूर लिया गया है। गोलकीपर बताओ, पहले किक पर चोट लगी है खिलाड़ी को, थोड़ा सा असुविधा में जरूर है। एक बेहतरीन गोलकीपर ओडिशा के, इनको फिलहाल थोड़ा सा इंजरी का सामना करते हुए पहले गेंद बचाने में सफल हुए थे इस खिलाड़ी ने। समय देखा जाए डीकेएमसी बालाडी की ओर से जर्सी नंबर 13 पर प्रकाश समय नजर आ रहे हैं। जर्सी नंबर 13 पर जसिन मथटे, एक अच्छे डिफेंडर, बहुत बेहतरीन डिफेंसिव करी थी इस खिलाड़ी ने। बहुत ही विश्वसनीय बेहतरीन की बात, दो और बेहतरीन टीमें आपके सामने होंगी, एक तरफ अरमान और एक तरफ राजन ब्रदर्स। फिलहाल जर्सी नंबर 11 मिस्टर चांदू डीकेएमसी बालीडी की तरफ से किक लेने के लिए तैयार होते हुए
बहुत ही सुंदर किक। माकू मेरा बचपन का दोस्त, काट खाएगा, काट खाएगा। फैक्ट्री खत्म हो गया, तो चला है नहीं।